IPL 2020 के सबसे शानदार जहां मैच देखने को मिले, तो वहीं 11वां मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। जी हां दोस्तों, आज मैच खेला जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच। तो बात करते हैं दोस्तों वार्नर की बैटिंग के बारे में। दिल्ली कैपिटल्स ने जैसे ही बॉल करने का फैसला टॉस जीतने के बाद लिया, तो वहीं वार्नर और बेस्टो स्ट्राइक पर उतरते हुए नज़र आए। वहीं बता दें जैसे ही वार्नर ने 45 रन बनाए और वह कैच आउट होते हुए नज़र आए पंत के द्वारा, जो कि कीपिंग कर रहे थे और मिश्रा उनको बॉलिंग करा रहे थे। वहीं उन्होंने 33 बॉलें खेली थी और 3 चौके मारे थे, साथ ही 2 छक्के भी उन्होंने उसमें से मारे थे। 136 की उनकी स्ट्राइक रेट थी। उसी के बाद बता दें आपको, जैसे मिश्रा ने उनको बॉलिंग कराई और बॉल ग्लव्स के लग के वार्नर के पीछे पंत की तरफ जा बैठी हाथों में। जी हाँ दोस्तों, पंत ने कैच आउट कर लिया और सिर्फ ग्लव्स पे बॉल लगी थी और इस तरह वार्नर आउट होते हुए नजर आए। यहाँ देखा जा रहा था कि वार्नर आज अपनी 50 तो बिल्कुल पूरी करने वाले थे, पर ये एक गलत बॉल के चक्कर में वो आउट होते हुए नजर आए। और बेस्टो ने यहाँ पर अब बना लिए हैं 39 रन, 30 बॉलों के अंदर 2 चौके मारे और 1 छक्का भी मारा है। मनीष पांडे अब उतरे हैं और वह भी आउट होते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, मनीष पांडे भी आउट होते हुए नजर आए। 3 रन बनाकर सिर्फ 5 बॉलें उन्होंने खेली थी और रबाडा के द्वारा कैच आउट हुए और मिश्रा ही उनको बॉलिंग करा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मिश्रा ने अब 2 विकेट यहां पर ले लिए हैं इन सनराइजर्स हैदराबाद के। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, 92 रन और 2 विकेट सनराइजर्स हैदराबाद के, क्या इस स्कोर के साथ ये आज जीत पाएगी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी की ऐसी और खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल न्यूज़ जंक्शन को, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी हर खबर मिले यहाँ पर सबसे पहले।